सचिवालय बनाया जा रहा है। आखिर कैसे हुआ ये चमत्कार? हजार साल पुराने शिवालय ने कैसे बदल दी है इमरान सरकार की सोच? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए पाकिस्तान में हर हर महादेव। पाकिस्तान में बम पर भारी बोल बम, बहत्तर साल बाद पाकिस्तान को आई बुद्धि। शिव की शरण में पहुंचे इमरान खान, सियालकोट में फिर खुल गया शिवाला। हजार साल पुराने मंदिर की जयकार, पाकिस्तान में हर हर महादेव। जी हाँ, पाकिस्तान का सियालकोट हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा है। भारत पाक बंटवारे के 72 साल बाद पाकिस्तान को सद्बुद्धि आई है। पाकिस्तान की बदहाली और फतेहाली से परेशान इमरान खान अब मुल्क का बेड़ा पार करने के लिए शिव शंभू की शरण में पहुंच गए हैं। देखिए, ये सियालकोट का वो ऐतिहासिक शिवाला है जिसका इतिहास हजार साल से भी पुराना है, पर हिंदुओं की श्रद्धा का केंद्र होने की वजह से ये शिवाला पाकिस्तान की आजादी के बाद से ही सुनसान पड़ा था। न कोई इसकी देखभाल करने वाला था, न कोई यहाँ पूजा पाठ करने वाला। पाकिस्तानी हुकूमत ने भी इस मंदिर पर कभी ध्यान नहीं दिया। कायदे आजम से लेकर नवाज शरीफ तक पाकिस्तान के हर हुक्मरान ने इस मंदिर की अनदेखी की। बीते 7 दशकों में ये मंदिर कई बार चरमपंथी हमले का शिकार हुआ, फिर भी इसका इकबाल कम नहीं हुआ। और अब आखिरकार इमरान सरकार को इस मंदिर की महिमा के आगे सिर झुकाना पड़ा है। क्या है इस मंदिर की महिमा, कितना शानदार है इसका इतिहास, कितनी खास है इसकी बनावट और किन किन संकटों से गुजरना पड़ा इस शिव मंदिर को, सब बताएंगे आपको। पर पहले ये जान लीजिए कि कहाँ है ये शिव मंदिर और इमरान सरकार ने इसे लेकर क्या बड़ा ऐलान किया है। इस शिव मंदिर का नाम है शिवाला तेजा सिंह मंदिर। ये मंदिर पाकिस्तान के सियालकोट के कश्मीरी मोहल्ला में है। शिवाला तेजा सिंह मंदिर 10वीं सदी में बनाया गया था। बता दें कि 10वीं सदी में ही खजुराहो समेत दक्षिण भारत के ज्यादातर मंदिर बनाए गए थे। आजादी से पहले तक सियालकोट के शिवाला तेजा सिंह मंदिर में भी देश के तमाम शिव मंदिरों की तरह ही जबरदस्त रौनक रहती थी। सुबह शाम यहाँ बम भोले के जयकारे लगते थे। मंदिर की हर मंजिल पर हिंदू देवी देवताओं की दर्जनों ऐतिहासिक और मनमोहक मूर्तियाँ लगी थी। पर भारत पाक बंटवारे और हिंदू मुस्लिम दंगों के बाद इस मंदिर की शोभा पर ग्रहण लग गया। तब से अब तक ये शिव मंदिर सुनसान और वीरान पड़ा था, पर अब इमरान सरकार ने इस मंदिर को फिर से खोलने का ऐलान किया है। पाक सरकार शिवाला के संरक्षण पर करीब 50 लाख रुपए खर्च करेगी। मंगलवार को तेजा सिंह मंदिर में एक विशेष उद्घाटन समारोह है। ये समारोह पाकिस्तान के एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने आयोजित किया। इस मौके पर हिंदू समुदाय की ओर से मंदिर परिसर में हवन और यज्ञ किया गया। पूजा पाठ के लिए सियालकोट में बसे हिंदू समुदाय के लोगों को बुलाया गया। स्थानीय हिंदू नेताओं के साथ मुस्लिम नेताओं ने भी इसमें शिरकत की और मिठाइयां बांटकर मंदिर खुलने की खुशी का इजहार किया गया। समारोह की अध्यक्षता पाक श्राइन बोर्ड के उप सचिव सैयद फराज अब्बास ने की। सियालकोट में रहने वाले हिंदू समाज के कई नेता और प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद रहे। इनमें डॉक्टर मुनव्वर चंद, अमरनाथ रंधावा,
और पंडित काशीराम जैसे नाम शामिल हैं। पंडित काशीराम को मंदिर में पूजा पाठ के लिए नियुक्त किया गया है। समारोह की शुरुआत पूजा पाठ से हुई। हिंदू समाज के लोगों ने हवन यज्ञ में आहुति डालकर मंदिर में धार्मिक संस्कार किए। पंडित काशीराम ने हवन के बाद नारियल की आहुति दी। हवन के बाद ओम जय जगदीश हरे आरती का गायन हुआ और 72 सालों के बाद पूरा मंदिर परिसर एक बार फिर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। बता दें कि शिवाला तेजा सिंह मंदिर को फिर से खोलने के लिए पिछले कई सालों से हिंदू संगठनों की ओर से मांग होती रही है। सियालकोट जिला काउंसिल के पूर्व मेंबर रतन लाल और MNA रमेश कुमार बंकवान ने ये मांग करते रहे थे। पाकिस्तान के हिंदू अफेयर्स विभाग ने भी इसका समर्थन किया। इसके बाद शिवाला की धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए पाक सरकार ने इस मंदिर को फिर से खोलने का फैसला किया। हालांकि दशकों तक बंद रहने की वजह से ये मंदिर काफी खस्ताहाल हो चुका है और इसमें मौजूद देवी देवताओं की मूर्तियां भी गायब की जा चुकी हैं। पर अब इस मंदिर की किस्मत चमकने वाली है। वादे के मुताबिक पाक सरकार मंदिर की छत और गुफाओं का मरम्मत कराएगी। मंदिर के मजबूत पिलरों को भी दुरुस्त किया जाएगा। मंदिर को फिर से रोशन करने में भारत की तरफ से भी मदद की जाएगी। भारत से देवी देवताओं की मूर्तियां इस मंदिर में स्थापित की जाएंगी। जाहिर है देर से ही सही, पर पाकिस्तान सरकार ने जो कदम उठाया है उसका पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों ने स्वागत किया है। लेकिन असली सवाल सिर्फ मंदिर के फिर से खुलने का नहीं है, बल्कि यहाँ सुचारू तरीके से पूजा पाठ करवाने का है। पाकिस्तान में जो हालात हैं उसमें हिंदुओं को पूजा पाठ करने की छूट कम ही मिलती है। ऐसे में पाक सरकार को ये तय करना होगा कि मंदिर खुलने के बाद इसमें पूजा पाठ के लिए हिंदू श्रद्धालुओं को बेरोक टोक आने जाने दिया जाए और उनकी हिफाजत का भी मुकम्मल बंदोबस्त किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। पाक सरकार के निर्देश पर शिवाला तेजा सिंह मंदिर की चाबी सियालकोट के हिंदू समुदाय के लोगों को सौंप दी गई है। मंदिर में पूजा पाठ की औपचारिक शुरुआत के बाद अब इसकी मरम्मत का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिलहाल मंदिर की हालत इतनी खस्ता है कि खुद पाकिस्तानी भी इसे देखकर शर्मसार हो सकते हैं। जितना प्राचीन इतिहास उतनी ही खूबसूरत बनावट। शिवाला तेजा सिंह मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसका अनूठा वास्तुशिल्प है, जो इतने जर्जर हाल में भी सैकड़ों सैलानियों की पसंदीदा जगह बनी हुई है। खजुराहो और दक्षिण भारत के मंदिर की तरह ही शिवाला तेजा सिंह मंदिर का शिल्प भी बेजोड़ माना जाता है। खासकर इसके पिलर और गुंबद से लेकर छतों की बनावट तक बेहतरीन है। मंदिर के दरों दीवार पर भव्य नक्काशी और चित्रकारी तो दिल को छू लेने वाली है। 10वीं सदी में जब ये मंदिर बना तो इसमें दर्जनों बड़े बड़े पिलर बनाए गए थे। मंदिर में प्रवेश करने के लिए इन्हीं पिलरों के बीच मुख्य प्रवेश द्वार बनाया गया था। ये मंदिर कई मंजिला है, जिसके हर माले पर कभी हिंदू देवी देवताओं की दुर्लभ मूर्तियां हुआ करती थी। पर 1947 में भारत पाक बंटवारे के बाद ये मंदिर भी सांप्रदायिक हिंसा और नफरत की भेंट चढ़ गया। सियालकोट के बेहद पॉश इलाके में होने के बावजूद इस मंदिर की ओर कभी किसी का ध्यान नहीं गया। हाँ, पाकिस्तान के कला पसंद कुछ लोगों की नजर में ये हमेशा रहा। तभी तो आज भी पाकिस्तान के कई यूट्यूब ब्लॉगर्स के एजेंडे में इस मंदिर का स्थान सबसे ऊपर है। दरबार साहब, तो ताकपुर की सैर के बाद कुछ हिंदू दोस्तों ने कहा कि हमें सियालकोट के किसी टेंपल की सैर करवाई जाए, तो उसी सिलसिले में आज हमने जो टेंपल चूज किया है शिवाला तेजा सिंह। शिवाला तेजा सिंह इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेंपल इन सियालकोट, शहर के बीचों बीच वाक्य है। तो चले चलते देखते हैं शिवाला तेजा सिंह। ये पाकिस्तानी ब्लॉगर अपने दोस्तों की फरमाइश पर शिवाला तेजा सिंह मंदिर का हाल जानने निकला, पर जब वो इस मंदिर के परिसर में पहुंचा तो इसकी हालत देखकर खुद भी हैरान रह गया।
इतना भव्य मंदिर और इतनी बुरी हालत। हजारों साल पुराना ये मंदिर है, वो कि इसकी मुख्तलिफ द्वार में तमीर होती रही है, रेनोवेट होता रहा, लेकिन अब चूंकि यहाँ से हिंदू कम्युनिटी माइग्रेट कर चुकी है ज़्यादातर, और जो रिसेंटली सियालकोट में लोग मौजूद हैं वो भी न्यू नए मंदिर तमीर होने की वजह से उनकी इबादत के लिए जाने का रुझान वहाँ पे है। यहाँ पे 92 के बाद मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी त्यौहार के मौके पर कोई हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे आई। बाकी इमारत पुरानी है, साफ नज़र आ रहा है कि गुप्तचर का शिकार भी रही है मुख्तलिफ जमाने में मुख्तलिफ अदवार में, लेकिन उसकी आबो ताब उसी तरह बाकी। दरअसल आज़ादी के बाद से ही ये मंदिर उपेक्षित तो रहा ही, फिरका परस्त ताकतों ने भी गाहे बगाहे इसे निशाना बनाया। 1992 के बाबरी मस्जिद कांड के बाद तो मुस्लिम कट्टरपंथियों ने बम धमाका करके इस मंदिर के कई पिलर उड़ा दिए, जिसके बाद डर की वजह से यहाँ हिंदुओं का आना जाना और भी कम हो गया और मंदिर की हालत और खराब हो गई। अभी मैं पीछे देख रहा हूँ, दीवार बन रही है ताकि इसको प्रिजर्व किया जा सके, महफूज किया जा सके, और शाहपुर में काफी ज्यादा मंदिर है, ये चूंकि सबसे पुराना है और सबसे बुलंद जगह पे है। पूरे शहर में किसी की छत पे अगर आप चले जाए, किसी घर की छत पे आप जाके आसानी से इस मंदिर को देख सकते हैं, और ये मंदिर की बिल्डिंग इसकी इमारत बता रही है कि किसी जमाने में ये किस कदर मसरूफ और किस कदर बड़ा। फिलहाल इस मंदिर की स्थिति यह है कि यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। शरारती लोग न सिर्फ इस मंदिर को लगातार नुकसान पहुँचाते रहे हैं बल्कि इसकी खूबसूरती को भी खराब करते रहे हैं। थोड़ी सी बद तहजीबी ये है कि लोगों ने दीवारों पे मुख्तलिफ किस्म के अपनी एक, मैं तो यही कहूँगा कि कोई डेस्परेशन है शायद, फ्रस्ट्रेटेड है लोग, आई लव यू फलां का नंबर उसका सारी खूबसूरती का बेड़ा गर्क किया, और उसे देख के तो दुख हुआ, लेकिन खुशी इस बात की है कि अब गवर्नमेंट ने इसको रेनोवेट करना शुरू कर दिया है, वास्ती दीवार इसकी तमीर की जा रही है। सोचिए इतने पुराने और ऐतिहासिक मंदिर को कहां तो संभाल कर रखने की जरूरत थी और कहां पाक सरकार की बेरुखी और कट्टरपंथियों की नफरत ने इसे बियाबान बना दिया। अच्छा यार, मैंने बड़ी जगहें घूमी हैं, दुनिया के बड़े एरियाज में गया हूँ, इवन के पाकिस्तान के बहुत सारी सिटीज में गया हूँ, नॉर्थन एरिया सारे घूम लिए हैं, पर इतना बदनसीब शहर मैंने आज तक नहीं देखा जितना सियालकोट है। सुना, खुद पाकिस्तानी भी मानते हैं कि तेजा सिंह मंदिर को संभाल कर रख पाने में नाकाम सियालकोट से बदनसीब शहर दूसरा कोई नहीं। पाकिस्तान का ये ब्लॉगर भी इस मंदिर की हालत देखकर उतना ही दुखी है जितना कोई भी हिंदू श्रद्धालु होगा। कि ये सियालकोट बड़ा बदनसीब सा शहर है, वो पता क्यों की है कि मैं जब भी कहीं भी गया हूँ ना, तो मैंने देखा है कि पाकिस्तान के शहर भी अपनी हिस्ट्री थोड़ी संभाल के रखते हैं, पर सियालकोट ने सियालकोट की हिस्ट्री की मत मार दी है। 72 सालों की अनदेखी और हिकारत ने इस मंदिर को खंडहर में तब्दील कर दिया, और इसकी वजह सिर्फ धार्मिक नहीं, ऐसे लोगों की नादानी और बेवकूफियां भी हैं जो अपने इतिहास को संजो कर नहीं रख सकते। सियालकोट किला भी इसी तरह पुराना है, कुछ 500 या 1000 साल पुराना है, और ये टेंपल भी जो है ना 1000 साल पुराना है, इसको तेजा सिंह टेंपल कहते हैं। और जब मैं किले में गया था ना, किला भी मुझे खंडर टाइप मिला था, जो कि हमारी एक सकाफत का हिस्सा है, हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है, जिसको संभाल के रखना चाहिए था, जिसको प्रोमोट करना चाहिए था, वो खंडर बना हुआ है। मेरे ख्याल में जिन भी उधर जाते होंगे डरते होंगे, उनको भी डर लगता होगा। और आज जिस जगह पर मैं आया हूँ ना, ये टेंपल है और ये 1000 साल पुराना है, ये शिवजी टेंपल है, हिंदुओं का टेंपल था, जब इंडिया पाकिस्तान एक थे उससे भी पहले का टेंपल है, शिवजी टेंपल था। तो इसकी हालत अभी इतनी अच्छी है कि हुकूमत इसकी देखभाल नहीं करती, सियालकोट के नशेई इसकी देखभाल करते हैं, और शाम को वो इधर बैठ के सुना मंदिर परिसर में नशेबाजी, जुएबाजी और भी न जाने क्या क्या। सवाल है कि जब सरकार और प्रशासन ही ऐसी इमारतों की सुध नहीं लेगी, तो आम लोग इसे लेकर क्यों संजीदा होंगे। देखिए तेजा सिंह मंदिर की बदहाली इस पाकिस्तानी ब्लॉगर की जुबानी। कलर इनका सदियों से नहीं हुआ, ये जो ईंट है ना, ये ईंट मेरी एक उंगली के बराबर है, इस ईंट को कहते हैं मुगलिया ईंट। ये जो जितनी भी मुगल हुकूमत के दौर में लगती थी ना ईंट, ये इतनी इतनी छोटी छोटी एक इंच की होती थी ईंट, ये छोटी छोटी ईंटें हैं। और ये वो एरिया जहाँ पर
सियालकोट कम्युनिटी के जितने भी नशेई हैं वो आगे बैठते हैं और अपना खाना पीना इधर ही करते हैं। इधर से स्मेल बहुत आ रही है गंदी, कभी सफाई नहीं की, ये जहाँ मूर्तियाँ वगैरह पड़ी होती थी। अच्छा, कुछ दिन पहले तक ना मुझे सिर्फ लगता था कि सियालकोट में घूमने वाली जगह कोई नहीं है, सिर्फ वो ग्रीजन पार्क है, एक जहाँ लोंडे सियालकोट के बरकट बुआ एक कुंडी लगाने चले जाते हैं, और यहाँ ये गुलशन पार्क है, यहाँ वो कैंट है जहाँ पे ब्रांडेड लोग चले जाते हैं। तो मुझे नहीं था पता कि सियालकोट में कोई हिस्ट्री है घूमने फिरने वाली, कि गया कभी नहीं था, मुझे 20 साल हो गए हैं, मैंने कभी नहीं था देखा। लेकिन अब दशकों तक उपेक्षित और हाशिए पर रहने के बाद इस मंदिर में फिर से रौनक लौटने वाली है। कुछ दिन पहले पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के निर्देश पर सियालकोट के ही 500 साल पुराने गुरुद्वारे बाबे दी बेर को सिख श्रद्धालुओं के लिए खोलने का निर्देश जारी किया गया था, और 2 जुलाई को शिवाला तेजा सिंह मंदिर की चाबी भी सियालकोट के हिंदुओं को सौंप दी गई। अब पाक सरकार की मदद से हिंदू संगठन खुद इस मंदिर की देखरेख और मरम्मत का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।